हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड ऑफ लाइटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्ट्री लाइटिंग को स्टडी किया था, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम्स को हमने वहाँ पर यूज़ किया था फैक्ट्री लाइटिंग में। अब ल्यूमेन या फिर लाइट फ्लक्स मेथड ऑफ लाइटिंग जो है, इसमें हम बेसिक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ़ ल्यूमिनरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना फ्लक्स हमें अपने वर्किंग प्लेन पे चाहिए, कितना ल्यूमेन हमें चाहिए, स्पीड हाइट स्पेस हाइट रेशियो क्या होना चाहिए। तो इस तरह का जितना भी हमने बेसिक टर्म्स फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देखा था, उन्हीं सारे बेसिक टर्म्स को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ल्यूमेन या फिर लाइट फ्लक्स मेथड ऑफ लाइटिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर इंटीरियर लाइटिंग डिज़ाइन, ठीक है, ये जो मेथड है हम लोग इंटीरियर लाइटिंग डिज़ाइन के लिए हमारे लिए सुटेबल है, ठीक है, जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इंटीरियर लाइटिंग डिज़ाइन के लिए सारा बेसिक कैलकुलेशन होगा। वेर अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लाइट ऑन द वर्किंग प्लेन इज रिफ्लेक्टेड बाई इंटरनल सर्फेसिस, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जब मल्टीपल कुछ जो टर्म्स है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, तो ये जो बेसिकली आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है आपके रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन सरफेसेस है उन पर, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन सरफेस है, ये आपका जो इंटरनल सरफेस होगा, यानी कि इंटीरियर डिज़ाइन, जैसे आपका वॉल हो गया, सरफेस हो गया, सीलिंग हो गया, तो ये सारे इंटरनल सरफेसेस पे डिपेंड करेगा। फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और वेयर द रिफ्लेक्टेंस ऑफ द सरफेस इज अननोन और मे नॉट बी रिलाइड अपॉन, यूटिलाइजेशन फैक्टर और जीरो रिफ्लेक्टेंस में बी यूज, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग इमरजेंसी लाइटिंग स्कीम यूज़ करते हैं या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर, जहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जनरली एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हमारा रिफ्लेक्शन सरफेस नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये उतना सुटेबल नहीं हो पाएगा ये मेथड। ल्यूमेन मेथड को हम लोग समटाइम्स ल्यूमिनस फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज़ ल्यूमेन में, ठीक है, तो इस वजह से ल्यूमेन मेथड को हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स मेथड भी बोल सकते हैं। ये जो आपका मेथड है, ये जनरली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू कैलकुलेट द एवरेज इल्यूमिनेंस ऑन वर्किंग प्लेन, ठीक है। पहला हम लोग हमारा हो गया कि वर्किंग प्लेन में हम लोग इल्यूमिनेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ये मेथड, और टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफाइड एवरेज इल्यूमिनेंस इन रूम, ठीक है, या फिर इसको इनडायरेक्ट वे में भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर इल्यूमिनेंस प्रेजेंट है, कि हमें इतना इल्यूमिनेंस चाहिए अपने वर्किंग प्लेन में, तो इसके लिए हम कितना नंबर ऑफ लैंप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका केसेस है, तो इनको यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं, विच कम्स अंडर द ल्यूमेन मेथड, ठीक है, दैट इज़ ई इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू फाइव इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम एफ इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर यू एफ डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये आपका हो गया इल्यूमिनेंस को फाइंड करने का, एवरेज इल्यूमिनेंस ये आपको का वैल्यू देगा, एंड दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ लैम्प्स या फिर नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ लैम्प्स हो गया जैसे आपका जो लोड है जो आपको इल्यूमिनेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपका बल्ब हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज हो गया, ये लैम्प्स हो गया, बट ल्यूमिनरीज क्या हो गया, ये हम लोग एक यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, एक एरिया, ठीक है, ये ल्यूमिनरी, अगर ये वन ल्यूमिनरी है तो इसके अंदर जितने लैम्प प्रेजेंट होंगे, तो ये सारे लैम्प मिलकर वन ल्यूमिनरी को ये प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनरीज। तो हो सकता है कि एक रूम आपका कंप्लीट वन ल्यूमिनरी कहलाए, और एक रूम में कितना लैम्प प्रेजेंट है, तो थ्री लैम्प प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा रूम आपका दूसरा ल्यूमिनरी फॉर्म कर सकता है, वहाँ पर दो लैम्प प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग लैम्प एंड ल्यूमिनरी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एन इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, दैट इज़ ई इज़ इल्यूमिनेंस, ए इज़ एरिया, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइंग मेंटेनेंस फैक्टर, यू एफ इज़ यूटिलाइजेशन फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाई फाइव दैट इज़ फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, एंड स्मॉल एन दैट इज़ नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ये सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है उसमें टर्म्स जो आ रहे हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल एन इज़ यूज फॉर नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज रिक्वायर्ड, कैपिटल ई इज़ यूज फॉर मेंटेन इल्यूमिनेंस लक्स में, फाई इज़ फॉर इनिशियल लैम्प आउटपुट, स्मॉल एन इज़ फॉर नंबर ऑफ लैम्प्स इन वन ल्यूमिनरी, ठीक है। एम एफ इज़ मेंटेनेंस फैक्टर, यू एफ इज़ यूटिलाइजेशन फैक्टर, ए इज़ एरिया ऑफ रूम इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा टर्म्स हमने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोग बेसिक टर्म्स का डेफिनेशन स्टडी किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार और रिवाइज करा दिया गया है। नंबर ऑफ लैम्प क्या है, या लुमिनरी एन का यूज़ किया गया है लुमिनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एन स्मॉल एन इज़ यूज फॉर टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। लैम्प फ्लक्स फाई यानी कि जो इनिशियल लाइट आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशंस में हम लोग जो फर्स्ट आपका 100 आर होगा यानी कि आपका जो न्यू बल्ब जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तब से लेकर 100 आर तक हम लोग इसको जो जितना वो फ्लक्स आउटपुट देगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग इनिशियल लाइट आउटपुट कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर टर्म आएगा, लैम्प ल्यूमन मेंटेनेंस फैक्टर, LLMF, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग करेंगे जब लैम्प हमारा मेंटेनेंस पीरियड में होगा तब, ठीक है। तो उस मेंटेनेंस पीरियड में जो हमारा लैम्प का जो आउटपुट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक टर्म आता है लैम्प ल्यूमन मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। और एक लैम्प का जो लाइफ होता है वो कंसिडर करते हैं 6000 आवर्स, ठीक है, अप्रॉक्स 2 इयर्स के। तो इसका जो लाइफ होता है ये 6000 आवर्स यूज़ करने पर हम लोग इसको, इसके बाद एक हम लिमिट लेकर चलते हैं कि इसके बाद ये लैम्प हमारा ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो इसका फिर हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ दिया गया है समझने के लिए कि आपका जो स्टार्टिंग 100 आवर्स होगा ये हम लोग इनिशियल फ्लक्स फाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। 100 इनिशियल 100 आवर्स में जो ये ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोवाइड करेगा दैट विल बी फ्लक्स, और जब 6000 आवर्स ये कंप्लीट कर लेगा तो इसके बाद हम लोग इसका रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि जो इनिशियल टाइम होगा, इनिशियल आवर्स होगा, इसमें जो इनिशियल ये लैम्प आउटपुट जो देगा, ठीक है, ल्यूमेन आउटपुट, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये एजिंग इफेक्ट आते जाएगा ये डिक्रीज होता हुआ, ठीक है। तो 6000 आवर्स जब होगा तब यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर बल्ब हमारा डैमेज हो सकता है या फिर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक आपको टेबल दिया गया है कि इतना एल्यूमिनेंस अगर आपका है चाहिए आपको, ठीक है, इस एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर लिमिटिंग ग्लेयर इंडेक्स कितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म आया था मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर हमने बेसिक इसका डेफिनेशन देखा था, ये आपका रेशियो जो होता है वो इल्यूमिनेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जितना इल्यूमिनेंस आ रहा है, इल्यूमिनेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन डिवाइडेड बाय व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, ठीक है, या फिर व्हेन एवरीथिंग इज ओके, जब आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं था, कोई भी डर्ट नहीं था, ठीक है, तो उस केस में एवरीथिंग इज जब क्लीन था आपका लैम्प का जो सरफेस है, ठीक है, या फिर जो रिफ्लेक्शन सरफेस है उस पर कोई डर्ट नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, तो वो कंडीशन हम लोग उस टाइम पे जितना आउटपुट फ्लक्स मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इल्यूमिनेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेंस व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, तो ये इसका रेशियो आपको क्या मिलेगा, मेंटेनेंस फैक्टर। तो ये मेंटेनेंस फैक्टर को हम लोग ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर का जो टर्म है वो यूज़ होता है जब आपका इल्यूमिनेंस में रिडक्शन आता है, ठीक है। जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट आएगा तो इल्यूमिनेंस रिड्यूस करता हुआ जाएगा, तो इस वजह से ये मेंटेनेंस फैक्टर टर्म आता है। तो ये किस किस चीज़ के कारण अफेक्ट करता है, ठीक है, ये रिडक्शन। तो पहला हम लोग देख सकते हैं RSMF, दैट इज़ रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर। रूम का जो सरफेस है ये आपका एक रिफ्लेक्शन सरफेस है, रूम सरफेस, ठीक है, फ्लोर जो होगा,
तो इस पर भी हो सकता है कि डिपेंड करता है आपका जो लाइट सोर्स है, ठीक है, आपका फ्लोर पे आ रहा है, ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्ट करके हमारे वर्किंग प्लेन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये सरफेस पे हमारे फ्लोर पे अगर डस्ट पार्टिकल आ जाए, ठीक है, डस्ट जमा हो जाए, तो इसका जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी होगा ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, कम लाइट रिफ्लेक्ट होगा, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, कुछ लाइट का पार्ट, तो इस वजह से यहाँ पर इल्यूमिनेंस में रिडक्शन आता है, ठीक है। तो इस पे हमारा RSMF पे डिपेंड करता है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? LMF, दैट इज़ ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर। ये ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर दैट मीन्स कि जब हमारे लैंप में डर्ट या डस्ट जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसके वजह से जो आउटपुट लाइट में रिडक्शन आएगा वो कहलाता है ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर। थर्ड जो डिपेंड करेगा वो हो सकता है LLMF, दैट इज़ लैम्प ल्यूमेन मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से लैम्प के वजह से, ठीक है, लैम्प के एजिंग इफेक्ट की वजह से जो उस पर इल्यूमिनेंस में रिडक्शन आएगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे LLMF। एंड फोर्थ यहाँ पर जो अफेक्ट करेगा दैट इज़ LSF, लैम्प सर्वाइवल फैक्टर, ठीक है। तो लैम्प का अपना कुछ लाइफ होगा, ठीक है, तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा कौन, मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग LSF का वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, यूनिटी वैल्यू कंसिडर करेंगे, कब, जब उसी टाइम पे 6000 आवर्स यूज़ करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर जैसे ही डैमेज हुआ, ठीक है, जैसे ही ये फ्यूज़ हो गया हमारा लैम्प, उसी टाइम पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया गया, तो उस केस में हम लोग LSF का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं। तो ये 4 केस हो गया जो कि आपके मेंटेनेंस फैक्टर को अफेक्ट करता है। तो जब हम टोटल मेंटेनेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये इन चारों फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कंप्लीट मेंटेनेंस फैक्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ के हेल्प से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं सपोज, ठीक है, कैलकुलेट द मेंटेनेंस फैक्टर फॉर एन इंस्टॉलेशन वेयर LLMF भी आपको कंसिडर करना है, LMF भी, ठीक है, ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर, रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है, इन सबको कंसिडर करना है। और ल्यूमिनरी का जो सफाई होगा, ठीक है, ये 3000 आवर्स यूज़ करने के बाद होगा, और रिप्लेसमेंट कब होगा, 6000 आवर्स यूज़ करने के बाद। और रूम का जो सरफेस है वो कब क्लीन किया जा रहा है, 6000 आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन जब दिया हुआ है, और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, स्पॉट रिप्लेसमेंट हो रहा है फेल्ड लैम्प का, ठीक है। तो स्पॉट रिप्लेसमेंट में हमें LSF का वैल्यू क्या लेना था, लैम्प सर्वाइवल फैक्टर दैट विल बी 1, ठीक है, क्योंकि स्पॉट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो अब ये जो हमें LLMF, LMF और RSMF का जो वैल्यू मिलेगा, ये आपको स्टैंडर्ड एक वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेंटेनेंस फैक्टर आपको इन चारों का प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये इन वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं RSMF का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर। तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन लेकर आपको ये इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये आपका जब न्यू था बल्ब, ठीक है, T=0 आवर्स पे या 1 आवर्स पे अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं, तो इसका जो आउटपुट फ्लक्स था वो कितना था, 100, ठीक है, 100% था। फिर जैसे जैसे ये आवर्स बढ़ता गया, ठीक है, तो ये डिक्रीज होकर कहाँ पर आ गया, 90% पे, यानी कि 10% का रिडक्शन यहाँ पर होगा, कब, रूम सरफेस पे, रूम सरफेस से अफेक्ट होकर। तो यहाँ पर जो हमें RSMF का वैल्यू मिलने वाला है वो 0.9 हम कंसिडर करेंगे, इस तरीके का जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पर, ठीक है, 0.9। तो यहाँ पर हमने वही वैल्यू लिया है, 0.9 कंसिडर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है LMF, ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है, LMF के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर भी इनिशियली ये 100% था, ठीक है, ये 100% है,
और ये फिर डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट होगा, टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा इसका एल्यूमिनास। ये कहाँ तक डिक्रीज़ होगा? 75% तक, ठीक है। तो LMF का जो वैल्यू हम लेंगे वो 0.7 लेंगे, 75 लेंगे, ठीक है। 75% डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी 100 से ये 25 डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 से ये कहाँ पर आकर फिक्स हो जाएगा? 75% पे, ठीक है। LLMF का वैल्यू हम लेंगे, LLMF का ये भी स्टार्टिंग में 100% इल्यूमिनेंस दे रहा था, फिर ये जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट हुआ डिक्रीज़ होकर ये 80 पे फिक्स हो गया, 20% का डिक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर हम LLMF का वैल्यू 0.8 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हम सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। स्पॉट रिप्लेसमेंट के केस में हम लोग LSF का वैल्यू यूनिटी कंसिडर करते हैं। इन सारे वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मेंटेनेंस फैक्टर का वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आया था यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने देखा था लुमेंस रिसीव्ड ऑन वर्किंग प्लेन, ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपका बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे इस प्लेन पे हमें काम करना है, तो सारा का सारा लाइट रेडिएशन तो यहाँ पर नहीं आता है, है ना, कुछ ही पार्ट आ पाएगा और कुछ आपका हो सकता है दूसरे कहीं दूसरी तरफ एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि लुमेंस रिसीव्ड ऑन वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय लुमेंस आउटपुट ऑफ ल्यूमिनरीज, ठीक है। तो सारा का सारा वर्किंग प्लेन पे नहीं आएगा, तो जितना हमारे वर्किंग प्लेन पे आ रहा है उसका वैल्यू लेंगे, एंड जितना एक्चुअली में जितना आउटपुट लैंप से आ रहा है उसका हम रेशियो लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेंगे, एंड इसका रेशियो हमें क्या देगा? यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है ये भी आपका डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, ठीक है। पहला टाइप ऑफ ल्यूमिनरी पे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूमिनरीज या लैंप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड किस पे करेगा? रूम इंडेक्स पे, ठीक है, क्योंकि हम इंटीरियर के लिए ये यूज़ कर रहे हैं ये सारा कैलकुलेशन इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, तो रूम इंडेक्स ये आपका यहाँ पर मैटर करेगा। रूम इंडेक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला एल इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस डब्ल्यू इंटू एच एम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या ये L और W क्या है? तो L आपका लेंथ ऑफ द रूम होगा, ठीक है, W आपका विड्थ ऑफ द रूम होगा, ठीक है, और H जो होगा आपके वर्किंग प्लेन से लैंप तक का डिस्टेंस होगा। ये आपका वर्किंग प्लेन हो गया, वर्किंग प्लेन से लैंप का जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज़ HM, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस तरीके का अगर आपके पास बल्ब का इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ठीक है, फोकस टाइप अगर आपने लाइटिंग स्कीम यूज़ किया हुआ है तो इसका जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा वर्किंग प्लेन पे वो हाई होगा। सिमिलरली अगर आप इस तरीके का डिफ्यूज लैम्प यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिफ्यूज़न मैकेनिज्म हो रहा है, तो इसका यूटिलाइजिंग फैक्टर आपके वर्किंग प्लेन पे कम होगा, ठीक है। रूम इंडेक्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपका टाइप्स ऑफ ल्यूमिनरी हो गया, रूम इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विड्थ, ठीक है, तो आपका जो इंडेक्स आएगा वो आपको रूम इंडेक्स जो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा वो हाई होगा, ठीक है। बट आपका इस तरीके का रूम इंडेक्स है तो आपको यहाँ पर लो यूटिलाइजिंग फैक्टर मिलेगा। थर्ड है रिफ्लेक्टेंस ऑफ रूम सर्फेसिस, ठीक है, तो ये करता है यूटिलाइजेशन फैक्टर कि आपका जो सरफेस है वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके वर्किंग प्लेन पे कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लाइट लैंप से आपका लाइट जा रहा है यहाँ पर और रिफ्लेक्ट होकर यह वर्किंग प्लेन पे आ रहा है, तो ब्राइट सरफेस अगर होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, बट डार्क सरफेस होगा तो ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही कम लाइट रेडिएशन आपको आपके वर्किंग प्लेन पे मिलेगा। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका बेसिकली तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको रिफ्लेक्टेंस फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का आपको यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन में जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ये आप इसको कंसिडर, ये सारा वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रूम इंडेक्स के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है सीलिंग का, वॉल का एंड फ्लोर का, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और रूम इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस टेबल के थ्रू हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों जो आपका रो है, ये 0.7 वैल्यू लेना है किसके लिए, सीलिंग के लिए। ये तीनों रो आपका आएगा 0.5 वैल्यू होगा सीलिंग के लिए, 0.3 होगा इन तीनों रो के लिए, एंड लास्ट वाला 0.0 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉल का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू वेरी करेगा, अगेन फ्लोर का आपका इन तीनों के लिए सेम रहेगा, इन तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट रेंज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक आप ले सकते हैं ये वाला, ठीक है, कि रिफ्लेक्टेंस वैल्यू कितना हो रहा है सीलिंग से 0.7, वॉल से आपको मिल रहा है 0.5 एंड फ्लोर से आपको 0.2, ठीक है। ये परसेंटेज में 70%, 50% है, 20%, ठीक है। इतना आपको रिफ्लेक्टेंस हो रहा है इन तीनों सरफेसेस से। तो ये वाला जब आप केस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से आपको रूम इंडेक्स कितना मिलेगा, ठीक है। रूम इंडेक्स इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब रूम इंडेक्स आपको ये वैल्यूज़ मिल सकता है, 0.75 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 1.25, ठीक है। तो ये जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है डिजिट्स, ये आपका रूम इंडेक्स है, ठीक है। अब इस रूम इंडेक्स से करेस्पॉन्डिंग हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये बाकी जितना आपको दिया हुआ है, ये यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज अभी आपका इन फर्स्ट केस के लिए, जब अपना इतना इतना परसेंट रिफ्लेक्टेंस हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो आपको सपोज मिलता है रूम इंडेक्स 2.50, ठीक है। तो 2.50 इधर से लेंगे, रूम इंडेक्स 2.50 एंड इधर से लेंगे हम ये वाला केस, ठीक है, ये वाला रो। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, इस सेल पे 0.71। तो ये जो 0.71 होगा, ये एक्चुअल में आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा इस केस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर इस टेबल के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है। डायमेंशन दिया हुआ है आपको रूम का, लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, विड्थ है आपका 6 मीटर और हाइट दिया हुआ है कितना, 3 मीटर, ठीक है। ये आपका रूम का हाइट है, बट जो आपका वर्किंग प्लेन से लैंप तक का जो डिस्टेंस है, जिसे हमने HM कंसिडर किया था, ये कितना है, 0.8 मीटर, ठीक है। रूम का रिफ्लेक्टेंस आपको दिया हुआ है सीलिंग के लिए 0.5, ठीक है। सी का वैल्यू यहाँ से 50% सीलिंग से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वॉल से कितना परसेंट हो रहा है, 30%, एंड फ्लोर से कितना हो रहा है, 20%, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर अब डिपेंड किस पे करेगा, रूम इंडेक्स पे। तो हम पहले रूम इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। एल क्या है, लेंथ हमें दिया हुआ है 8 मीटर, विड्थ आपको दिया हुआ है 6, ठीक है। यहाँ पर हम इन दोनों का वैल्यू डालेंगे, HM दिया हुआ है आपको कितना, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कंप्लीट हाइट कितना था, 3 मीटर था, ये अगर सीलिंग है, ठीक है, ये आपका फ्लोर है, ये कंप्लीट आपको कितना दिया हुआ था, 3 मीटर दिया हुआ था, और वर्किंग प्लेन आपका यहाँ पर है, तो वर्किंग प्लेन से आपका जो हाइट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था सीलिंग लैंप तक का, 0.8, ठीक है। ठीक है, वर्किंग प्लेन से आपका ये दिया हुआ है, बट जो हम लोग हाइट निकालते हैं HM, वो HM होता कितना है, वर्किंग प्लेन से आपके लैंप तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो इस कंप्लीट में से 3 में से अगर हम ये जो वर्किंग प्लेन का जो हाइट है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है, 0.8 जो होगा ये आपका ये वाला दिया हुआ है,
वर्किंग प्लेन आपका फ्लोर से या ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर है, ठीक है। तो ये आपका 0.8 मीटर पे के हाइट पे है। अब आपका निकालना कितना है, ये वाला हाइट अगर आपको निकालना है तो आप 3 में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो 3 माइनस 0.8 तो ये आपको मिल जाएगा 2.2। ये वाला जो एक्चुअली में हाइट है HM, दिस इज इक्वल टू 2.2 मीटर। तो हम इस HM का वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पे हमें कितना मिलेगा, 1.558। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 1.5 में। तो रूम इंडेक्स हमें क्या मिल गया, 1.5। ठीक है, और ध्यान में क्या रखना है, सीलिंग का 0.5 है, 0.3 एंड 0.2, ठीक है। 0.5 पे गए, 3 लेना है, ठीक है, और 2 लेना है, यानी कि ये वाला रो लेना है, ठीक है, ये रो आप कंसिडर करेंगे। और हमारे पास रूम इंडेक्स कितना आया था, 1.5, यानी कि ये वाला रो लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये रो जब हम आए यहाँ पर और ये रो इधर से आया, ठीक है, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0.63 वाले सेल पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपका एक्चुअल में क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है। तो इस टेबल के हेल्प से हम लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्पेस हाइट रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है, SHR इज इक्वल्स टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप्स, ठीक है, दो लैंप के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है स्पेस, ठीक है। और ये आपका रेशियो, सॉरी हाइट होगा, ठीक है। तो ये हाइट किसका होगा, वर्किंग प्लेन से जो आपका जिस हाइट पे आपका लैंप माउंट किया हुआ है वो हाइट हम लेंगे। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेस हाइट रेशियो। यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक फैक्ट्री है जिसका डायमेंशन आपको इतना दिया हुआ है, 40 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई, ठीक है। पॉइंट सोर्स ल्यूमिनरीज यूज़ किया गया है, ये सस्पेंडेड कहाँ पर है, 1.5 मीटर बिलो सीलिंग लेवल, सीलिंग से ये 1.5 के हाइट पे ये आपका लैंप लगा हुआ है, आप देख सक रही है आपका सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग से 1.5 बिलो ये मीटर बिलो ये लैंप आपका माउंट किया हुआ है। वर्किंग प्लेन इज़ 1 मीटर हाई, वर्किंग प्लेन ये वाला आपका वर्किंग प्लेन है, ये 1 मीटर सॉरी ये वर्किंग प्लेन आपका, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, फ्लोर है, इसके 1 मीटर अबव वर्क आपका क्या है, वर्किंग प्लेन है। नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज विच मस्ट बी इंस्टॉल्ड टू कंफर्म विथ अ रिकमेंडेड SHR ऑफ 1.5:1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज, ये n फाइंड करना है, कितना ल्यूमिनरीज होना चाहिए इस फैक्ट्री में कि स्पेस हाइट रेशियो हमें कितना मिले, 1.5:1। देखते हैं हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हाइट हमको निकालना है, ठीक है, ये कंप्लीट हाइट आपको दिया हुआ है डायमेंशन में 8 मीटर, ठीक है। और हम जो HM निकालते हैं वो कितना होता है, वर्किंग प्लेन से लैंप तक का डिस्टेंस, तो आपको निकालना कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका 8 है, यहाँ से 1 हम निकाल लिए और यहाँ से 1.5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको HM मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा कितना, 5.5 मीटर। SHR आपको गिवन है 1.5:1, ठीक है। तो स्पेस हाइट रेशियो आपको क्या गिवन है, ये आपको इतना गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर हाइट हमने क्या लिया है, हाइट जो हमने निकाला लैंप और वर्किंग प्लेन के बीच का कितना आया, 5.5 मीटर आया, ठीक है। तो यहाँ से हम S का वैल्यू निकालते हैं, स्पेस कितना होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, तो S इज इक्वल्स टू 1.5:HM आएगा, ठीक है। तो 1.5:HM का वैल्यू क्या है, 5.5 यहाँ पर हमने निकाला है, तो ये आपको यहाँ से S का वैल्यू क्या मिलेगा, 8.25। दैट मीन्स कि ये जो लैंप होगा, लैंप को हमें
दो लैंप के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 8.25 मीटर का होना चाहिए दो लैंप के बीच का डिस्टेंस। हाइट कितना होना चाहिए, 5.5 मीटर का होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो स्पेस हाइट रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1.5:1 का मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पहले हमने देखा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ लुमिनरीज। तो उससे पहले हम लोग को नंबर ऑफ रोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो विड्थ है ये 20 मीटर है। ठीक है, ये जो आपका विड्थ है 20 मीटर है। अगर हम इसे विड्थ कंसिडर करें, आपका लेंथ हो गया, इधर हम विड्थ ले लें। ठीक है, तो इसी विड्थ में आपको नंबर ऑफ रोज बनाने होंगे। ठीक है, तो अगर आपका जो विड्थ है ये 20 मीटर है और आपको 5 रो बनाना है, ठीक है, तो आपको स्पेसिंग कितना करना पड़ेगा, तो 20 को आप डिवाइड करेंगे, 5 रो बनाना है तो 5 से, तो आपको मिलेगा 4 मीटर। यानी कि हर एक रो के बीच में आपका डिस्टेंस होना चाहिए 4 मीटर का। ठीक है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। विड्थ हमको दिया हुआ है 20 और स्पेसिंग कितना चाहिए, 8.25 का है ना, अभी जस्ट हमने निकाला। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.4। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे, दैट मीन्स 3 रोज। ठीक है, 2.4 रोज तो हो नहीं सकता है, आधा कंप्लीट हमें करना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3 रोज। अब इस अगर हमारे पास 3 रो हो गया, ठीक है, 1, 2, 3, ये 20 मीटर के विड्थ में हमने 3 रो बना लिया। अब इस 3 रो में टोटल मिनिमम नंबर ऑफ लुमिनरीज एक रो में कितना होना चाहिए, कितना लैम्प होना चाहिए, तो आपका ये लेंथ कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, इस 40 मीटर के लेंथ में हम लोग कितना लैंप्स लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग क्या चाहिए दो लैंप के बीच का, 8.25 अभी हमने निकाला, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.85, राउंड ऑफ करेंगे तो 5 लुमिनरीज। दैट मीन्स कि हम एक रो में 5 लैंप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक रो में हम 5 लैंप कनेक्ट करेंगे तो आपका 3 रो में 15 लुमिनरी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ लुमिनरीज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर केस क्या आएगा कि ये जो एक्चुअल में तो 3 रोज नहीं था, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ वैल्यू ज़्यादा वैल्यू लिया है, ये एक्चुअल में तो 5 लुमिनरी नहीं था, 4.85 था। ठीक है, बट 4.85 लैंप हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, 5 लुमिनरीज, तो इसको इन दोनों केस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम स्पेस को कम कर दें तो ये एक्चुअल में 5 लुमिनरी बन सकता है और ये एक्चुअल में 3 रो बन सकता है। ठीक है, तो इस एक्चुअल स्पेसिंग को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे विड्थ बाई नंबर ऑफ रोज। तो हमें पता चला था कि 3 रोज हो सकता है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम इतने विड्थ में, 20 मीटर के विड्थ में। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे विड्थ बाई नंबर ऑफ रोज, दैट विल बी इक्वल टू 6.67। तो ये जो हमें मिल रहा है ये एक्चुअल में स्पेसिंग बिटवीन रोज। ठीक है, 3 रो के बीच में ये स्पेसिंग क्या होना चाहिए, 6.7 का, ये कितना होना चाहिए, 6.67 का। तो अभी हमारे पास स्पेसिंग आया, एक्चुअल स्पेसिंग 6.67, इससे पहले हमें क्या मिला था, 8.25 का। ठीक है, 8.25 लेकर जब हम बनाएंगे तो 2.4 रोज मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग स्पेसिंग को कम कर देंगे तो एक्चुअल में 3 रो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिंग आपको मिलेगा 6.67। ठीक है, और दूसरा हम बल्ब के बीच में कितना, दो बल्ब के बीच में स्पेसिंग कैसे निकाल सकते हैं, तो आपका लेंथ कितना था, ये 40 मीटर का था, और एक रो में कितना लगा हुआ है, 5 बल्ब लगा हुआ है, तो 40 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये दो बल्ब के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, दैट मीन्स 8 मीटर, तब 8 × 5 = 40 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम SHR कॉन्सेप्ट को यूज़ करके नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लुमिनरीज। ठीक है, और इसी का आपका यहाँ पर इसको कैसे आप एक लेआउट में आप स्पेसिंग, नंबर ऑफ लैंप्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका स्मॉल स्मॉल आपको एग्जांपल दिया हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ पर
सारा कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक हम लोग ऑफिस एरिया लेते हैं जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है 13x50 का। ठीक है, सीलिंग टू डेस्क हाइट आपको दिया हुआ है 2 मीटर। वर्किंग जो डेस्क होगा उससे आपके सीलिंग तक का हाइट कितना है 2 मीटर का। द एरिया इज़ टू बी इल्यूमिनेटेड टू अ जनरल लेवल ऑफ 500 लक्स। ठीक है, यूजिंग ट्विन लैम्प 32 वॉट। अब जो ये आपका वर्किंग प्लेन है, उस वर्किंग प्लेन को कितना लक्स देना है, कितना इल्यूमिनेंस देना है, 500 लक्स। ठीक है, 500 लक्स यहाँ पर इस टेबल पे आना चाहिए। और इसको इतना इल्यूमिनेंस यहाँ पर आने के लिए बल्ब कितने वाट का यूज़ किया गया है, ट्विन बल्ब एक यूज़ किया गया है 32 वाट का। ठीक है, विथ SHR ऑफ 1.25 और स्पेस हाइट रेशियो आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1.25 का। ईच लैम्प हैज़ एन इनिशियल आउटपुट ऑफ 85 लुमेन पर वाट। ठीक है, इनिशियल आउटपुट यानी कि जो फ्लक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 85 लुमेन पर वाट आपको दिया हुआ है। द लैम्प आर ऑपरेटेड एट 6000 आवर्स। ठीक है, लैम्प को 6000 आवर्स यूज़ किया जाता है बिफोर बींग रिप्लेस्ड। ठीक है, रिप्लेस करने से पहले। लैम्प एंड ल्यूमिनरीज आर क्लीन एनुअली एंड द रूम इज़ क्लीन एवरी थ्री ईयर्स। ठीक है, ल्यूमिनरीज एनुअली आपका क्लीन किया जाता है और रूम सरफेस आपका 3 ईयर्स में क्लीन किया जाता है। ये सारा डाटा आपको गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने जो निकाला था वो आपका रूम इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, और रूम इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, सीलिंग के रिफ्लेक्टेंस फैक्टर, वॉल के और फ्लोर के रिफ्लेक्टेंस फैक्टर में। तो हमने टेबल का यूज़ करके निकाला था, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये वाला फर्स्ट रो वाला हम लोग केस कंसिडर करते हैं जहाँ पर सीलिंग से रिफ्लेक्शन 70%, वॉल से 50% एंड फ्लोर से 20% हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके रूम इंडेक्स का वैल्यू निकालेंगे। लेंथ आपको दिया हुआ है 30, विड्थ आपको दिया हुआ है 15। ठीक है, हाइट दिया हुआ था आपका 2 मीटर का, तो इससे हमको रूम इंडेक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 5। ठीक है, तो 5 रूम इंडेक्स हम देखेंगे फर्स्ट केस के लिए, ये वाला केस कंसिडर करते हुए। तो यहाँ पर हमको 5 रूम इंडेक्स यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इस रो से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इस रो से हम आएंगे तो आपको कौन सा सेल मिल रहा है, 0.69। तो यही आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर है फॉर दिस केस। ठीक है, तो पहला हम लोग इस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड वी हैव टू फाइंड इज मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर आपका किस पे डिपेंड करता था, LLMF था। ठीक है, रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर था, लैम्प सर्वाइवल फैक्टर था और लैम्प ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर था। ठीक है, तो ये 4 केस आपका हो गया, लैम्प ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर, रूम सरफेस मेंटेनेंस फैक्टर, लैम्प सर्वाइवल फैक्टर है, लैम्प ल्यूमिनरी मेंटेनेंस फैक्टर, इन चारों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इनका हमने जस्ट अभी देखा था ग्राफ से, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो वहाँ से हम लोग ये सारा वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारा वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास मेंटेनेंस फैक्टर का वैल्यू आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.636। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इज नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके लिए सुटेबल लाइटनिंग स्कीम को भी डिज़ाइन करना है। तो नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज का फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, ई इंटू ए डिवाइडेड बाई मेंटेनेंस फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू फ्लक्स इंटू स्मॉल एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ लैम्प। यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 85 वाट का जो आपको इनिशियल फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ था, 85 लुमेन पर वाट दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो बल्ब यूज़ किया था वो कितने वाट का था, 32 वाट का। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमें कितना मिलेगा, 85 लुमेन पर वाट था,
तो 32 वाट के लिए कितना हो जाएगा, 85 × 32 होगा। तो 85 × 32 टोटल फ्लक्स कितना मिल गया, इनिशियल फ्लक्स आउटपुट 2720 लुमेन पर लैम्प। ठीक है, इल्यूमिनेंस का वैल्यू होता है, ठीक है, 500 आपको दिया हुआ है, आपके वर्किंग टेबल पे 500 लक्स चाहिए आपको, ठीक है, तो 500 हो गया। एरिया आपको दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ यूज़ करेंगे 30 × 15। मेंटेनेंस फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है 0.636, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया 0.69, फाइ इज़ ईयर 2720 लुमेन पर लैम्प एंड एन इज़ नंबर ऑफ लैम्प, दो लैम्प आप यहाँ पर ट्विन लैम्प यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ से इल्यूमिनेंस का वैल्यू कितना मिलता, नंबर ऑफ लुमिनरीज कितना मिलता है, 94। तो इस 94 लुमिनरीज को हमें इस फैक्ट्री में या इस ऑफिस एरिया में यूज़ करना है, ठीक है। HM आपको गिवन है, SHR आपको गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज़ 2.5 मीटर का, ठीक है, कि आपका 94 लुमिनरीज है, तो ये इस तरीके से रोज में लगा होगा, तो दो रो के बीच का डिस्टेंस हम स्पेसिंग ले लेते हैं 2.5 मीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज टोटल कितना हो जाएगा, आपका जो विड्थ है, ये विड्थ कंप्लीट कितना है, 15 है, इसे हमें रो में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, तो 15 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग हमने ले लिया है कितना, 2.5, डिवाइड करेंगे तो टोटल रो हमें कितना मिलेगा, 6, ठीक है। तो ये आपका 6 रो वाला बनेगा 15 मीटर विड्थ के रूम के लिए, ठीक है। अब राउंड ऑफ नंबर ऑफ लुमिनरीज टू 96, अलाउिंग 16 पर रो। अब अगर हम 16 लुमिनरी को पर रो यूज़ करते हैं, ठीक है, 16 लैंप्स को अगर हम यहाँ पर रो प्लेस कर दें, ठीक है, तो कितना हमें स्पेसिंग रखना होगा हर लैंप के बीच में, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, आपका जो लेंथ था ये कितना था, 30 मीटर, 30 मीटर में कितना लैंप फिक्स करना है, 16, ये हमने अज्यूम किया है, तो 30 डिवाइडेड बाई जब हम 16 करेंगे तो दो लैंप के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, है ना, तो ये 1.87 आपको मिलेगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स स्पेसिंग यानी कि दो रो के बीच में क्या स्पेसिंग था, 2.5 हमने यहाँ से निकाला था, है ना, तो 6 रो है, विड्थ इतना है, तो आपको 2.5 मिल रहा है, यानी कि 2.5 तो हमने ऑलरेडी इनिशियली कंसिडर किया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करेंगे और हर एक रोज में हम कितने लुमिनरीज फिक्स करना चाहते हैं, तो उनके बीच का स्पेसिंग इस तरीके से निकलेगा। इसका हमें लाइटिंग स्कीम भी डिज़ाइन करना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, 30 मीटर का हम इस तरीके का लेंथ ले लेंगे, ठीक है, ये 30 मीटर हो गया आपका लेंथ है इसका, विड्थ कितना था, 15 मीटर का, ठीक है। विड्थ को हमने 6 रो में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनका स्पेसिंग हमने अज्यूम किया था 2.5 मीटर, है ना, दो रो के बीच का स्पेसिंग। और हर एक रोज में हमें कितने लुमिनरी फिक्स करने हैं, 16 लैंप्स, ठीक है, 16 लैंप हमने फिक्स कर दिया, तो 16 लैंप एक रो में होगा, तो 16 × 6 आपको 96 मिलेगा, ठीक है, तो 96 लैंप आपका यहाँ पर फिक्स हो गया। तो 16 लैंप जब आपने एक रो में यूज़ किया है, इसके लिए हमने स्पेसिंग निकाला था, ये आया था 1.87 मीटर, ठीक है, तो 1.87 मीटर के डिस्टेंस में हम 16 लैंप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, लगा देंगे। अब जो बाकी आपका वॉल से, अगर ये आपका वॉल है, तो वॉल से लेकर जो लैंप होगा सबसे साइड वाला लैंप, उसके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है, तो आप 16 लैंप जब यहाँ पर फिक्स करोगे तो आपका कुछ स्पेसिंग फिर भी बचेगा 30 में से, ठीक है। तो ये जो स्पेसिंग आपका बचेगा, इनको हम दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 0.94 हम इधर भी देंगे और 0.94 इधर देंगे, ठीक है, तो ये आपका 1.87 के समथिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 1.87 स्पेसिंग था, वो हम एक लुमिनरी को कनेक्ट नहीं करके हम ये दोनों साइड्स में इसको हम स्पेस दे दिए हैं, ठीक है, वॉल से, दोनों वॉल से सबसे साइड साइड वाला लैंप के बीच का डिस्टेंस इक्वली डिवाइड करके 0.9 मीटर का हम लोग स्पेसिंग रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो ये जो आपका डिज़ाइन है दिस इज़ कॉल्ड लाइटिंग स्कीम्स। ठीक है, तो ये था हमारा लुमेन मेथड, जिसमें हम लोग सारे जितने भी हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया था उन सारे फैक्टर उन सारे टर्म्स को हमने यहाँ पर न्यूमेरिकली सॉल्व किया है। ओके, हम लोग नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लड लाइटिंग। ठीक है, वहाँ पर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके लाइटिंग स्कीम्स को वहाँ पर देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू एवरीवन।